कहीं ना कहीं फिर से टकराव होने वाला है। जी हाँ, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा मैटर को समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर रोजा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई यही रिक्वेस्ट करेगा कि चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में वीडियो लेके आता है, भोजपुरी को जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की नहीं। सबसे पहले बता दूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, तो कृपया इस वीडियो को गलत तरीके से ना लें। हम बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी के चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का कल एक बहुत अच्छा गाना आने वाला है, जिसका नाम है लहंगा लखनऊआ 2, और आप सबके डिमांड पर ही इसे कल रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि आपने ही डिमांड किया था कि लहंगा लखनऊआ 2 को रिलीज़ कराइए। और अखिलेश कश्यप जी इसके राइटर हैं, जो कि लहंगा लखनऊआ जो 1 था, जिसका नाम लहंगा लखनऊआ था, वो भी जनवरी 3 तारीख को 2020 में रिलीज़ किया गया था, और गाने ने बहुत अच्छा छाप छोड़ा। और ठीक उसी दिन मैनेजमेंट ने ये सिद्धांत लिया कि रिलीज़ किया जाएगा, और कल 3 तारीख है 2021 साल का, और ये गाना रिलीज़ किया जाएगा। इतना तक तो सबको पता था, और ये खबर बहुत खुशी की थी खेसारी लाल जी के फैंस, खेसारी लाल जी के फैंस के लिए। लेकिन क्या आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? रितेश पांडे जी एक गाने का पोस्टर शेयर किए हैं, जिनका टाइटल है चुनरी झलकौआ, समथिंग ऐसा ही कुछ टाइटल है, और कहीं ना कहीं एक टाइप का ही गाना दोनों है, और कहीं ना कहीं फिर से एक बार टकराव हो सकता है। और जैसे ही रितेश पांडे जी ने ये पोस्टर शेयर किया है, खेसारी लाल जी के जो भी फैंस हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उनका गुस्सा फूट रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह पिछले साल इस गाने को लेके विवाद हुआ था, क्या इस साल भी विवाद हो सकता है? फैंस का तो गुस्सा इतना है, फैंस आप लोग अपने विचार को कमेंट करें। गाना आने के बाद पता चलेगा क्या गाना दोनों एक टाइप का ही है, लाइंस एक ही है, या गाना दोनों अलग अलग है। पिछले बार इस गाने को लेके बहुत बवाल हुआ था, और जैसे ही रितेश पांडे जी ने ये गाने रितेश के पांडे पांडे जी ने गाने के बारे में पोस्टर शेयर किया, उसके बाद अखिलेश कश्यप जी लाइव आकर बहुत इमोशनल हो गए। जी हाँ, अखिलेश कश्यप जी बहुत इमोशनल हो गए, यहाँ तक कि उनकी आंख से आंसू निकल गई, और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये बताना, क्या अखिलेश कश्यप जी के साथ बहुत गलत हुआ है या नहीं, और रितेश पांडे जी खेसारी लाल जी के गाने में से आप किस गाने का वेट कर रहे हैं? तो कमेंट आना चाहिए, और अब कल देखना है ये कि गाना मैच करता है या गाना अलग होता है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दूसरे फैंस तक पहुँचा दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नए वीडियो में।